नमस्कार, डेली हल्ला डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बथुए का रायता। उसके लिए हमने यहाँ पे बथुआ लिया हुआ है, तो इसको हमने इसके पत्ते निकाल लिए हैं और अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो चलिए इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं। इधर हमने एक बर्तन में पानी रखा हुआ है फुल फ्लेम पे, तो इसको थोड़ा बॉयल होने देते हैं, फिर इसमें हम डालेंगे बथुआ। इधर मेरा पानी गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालते हैं बथुआ का पत्ता। हमने यहाँ पे अपना बथुआ डाल दिया है, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तो इसको हम ढक देते हैं और अपने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं, तो ये 5 से 7 मिनट तक पक जाएगा। तब तक इधर हम दही अपना तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक कटोरी दही ले लिया है, अब इसको हम अच्छे से फेंट देते हैं। हमने अपने दही को फेंट दिया है, तो अब हम इसमें डालते हैं एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप मिर्च को अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हों। और हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा काली मिर्च, ये हमने पाउडर बना के रखा हुआ है। और हमने यहाँ पे काला नमक और भुना हुआ जीरा दोनों एक में मिक्स करके पाउडर बना लिया है, तो इसको डाल देते हैं। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा सफ़ेद नमक। और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच गुड़ का पाउडर। आप इसकी जगह पे चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज किया हुआ है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने यहाँ दही को अच्छे से फेंट के सारी चीज़ें मिक्स करके तैयार कर लिया है। इधर मेरे बथुआ को पकते हुए भी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब ये पक चुका है, तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है। ये 5-7 मिनट में आसानी से पक जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैंने अब इसको मैं ठंडा होने देती हूँ। तो हमने यहाँ पे अपने बथुआ को पानी से निकाल लिया है और इसको हल्का सा निचोड़ लिए हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे पानी होते हैं, तो अगर हम दही में डालते हैं तो वो पूरा पानी पानी हो जाता है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे हल्का सा इसको निचोड़ लिया है। अब हम इसको डाल के ग्राइंडर में या तो दरदरा पीस लेंगे, या तो फिर आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं बारीक बारीक। तो हम इसको ग्राइंडर में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। हमने यहाँ पे दरदरा अपने मिक्सर को पीस लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं इसको दही में। अब हम बथुआ को अच्छे से अपने दही में मिक्स कर देते हैं। तो मैंने बथुआ को दही में अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसे छाछ में भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम एक छोटा सा तड़का लगाते हैं। हम तड़का लगाने के लिए अपना तड़का पैन रख दिए हैं। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच घी। मेरा घी गरम हो गया है, तो इसमें हम डालते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच छोटा चम्मच राई, 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच गैस ऑफ करने के बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा। तो अब हम डालते हैं दही में। तो इसमें हम अच्छे से एक तड़के को अपने मिक्स कर देते हैं।
इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से बूंदी, ये अपने चॉइस के अनुसार है। अगर आपको नहीं ऐसे ही खाना है तो आप ऐसे ही ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम बूंदी क्रंचनेस के लिए डाल देते हैं तो ये थोड़ा क्रंची सा लगेगा। और ये मेरा बथुए का रायता बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप ऐसे एक बार ये हेल्दी से अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आपके लिए हेल्दी भी है और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।